टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। ऑयल इंडिया लिमिटेड में सिविल इंजीनियर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर किया जा रहा है। इस वीडियो में हम इसी हायरिंग की बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप के ध्यान से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से पब्लिश किया हुआ ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन है। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर एक लिंक आपको वहां दिखेगी, वहां से क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस पीडीएफ फाइल के अंदर, इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको शुरुआत में जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल बताई गई है। ये एक नवरत्न कंपनी है, पीएसयू है, वेल नोन कंपनी है। इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी अगर जाननी है, पढ़ना है, तो आपको पहले पैराग्राफ के अंदर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहां बताया गया है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड इंटेंड्स टू एंगेज द फॉलोइंग पर्सनल प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर इमीडिएट एंगेजमेंट फॉर इट्स पाइपलाइन हेडक्वार्टर्स गुवाहाटी। देखिए गुवाहाटी के अंदर इनका पाइपलाइन जो हेडक्वार्टर्स है इनके, इसके अंदर जो है ये लोग इमीडिएट एंगेजमेंट यानी इमीडिएट हायरिंग करना चाहते हैं सिविल इंजीनियर्स की और बाकी जो सेफ्टी ऑफिसर वगैरह है उनकी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट रिक्वायरमेंट मेंशन हियर अंडर मे एंटेल। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो भी पोजिशन पे हायरिंग हो रही है वो कह रहे हैं कि ये हजार्डस नेचर के जॉब्स है और यहां पर हो सकता है आपको रिमोट एरियाज के अंदर या फार फ्लंग एरियाज के अंदर आपको काम करना पड़े, इंस्टॉलेशन लोकेशन जहां पर जाना पड़े, प्रोडक्शन या एक्सप्लोरेशन के जो एरियाज होते हैं वहां पर आपको काम करना पड़े और ऑन कॉल ड्यूटी बेसिस पर भी आपको जाना पड़े। तो ये थोड़ा सा एक हैजार्डस नेचर का जॉब हो जाएगा, इसकी आपको पहले ध्यान देना होगा, संज्ञान लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर एक टेबल के अंदर बताया गया है कि किन पोजीशन के ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायरिंग हो रही है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और आपका मंथली सैलरी क्या होगी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो पहली पोजिशन है वो है सिविल इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहां पर 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 3 सिविल इंजीनियर्स को हायर किया जा रहा है और यहां क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की गई है कि बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 4 ईयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यानी आपके पास बीटेक की एक सिविल इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री होनी चाहिए और आपको दूसरी कंडीशन भी बता दी गई है कि मस्ट हैव मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट। यानी आपके पास 3 साल का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी डिग्री के कंप्लीट करने के बाद। यानी आपने अगर 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए 2 शर्तें हैं, अगर आप इसको फुलफिल करते हो तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगे। देखिए यहां पर आपको एज लिमिट के बारे में बता दिया गया है कि मिनिमम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल की, और इसकी कट ऑफ डेट क्या है तो वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। देखिए यहां पर कोई आपका एग्जाम नहीं होगा, कोई रिटन एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं है आपका, आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। एक बहुत ही बेहतरीन चीज है ये, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है, इंटरव्यू देना है, जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा उसी के बेसिस पर आपको फाइनली वहां पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाओगे वहां पर उस दिन आपकी जो है 18 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। यहां पर आपको आगे जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो भी आपका सिलेक्शन होगा उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी उसके बारे में आपको बता दिया गया कि 45,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी अगर आप एक एज अ सिविल इंजीनियर वहां पर हायर किए आते हो तो। और दूसरी पोजीशन यहां पर है सेफ्टी ऑफिसर, जो आप देख सकते हो एक ही पोजीशन यहां पर अवेलेबल है और यहां कोई भी बैचलर्स डिग्री आपके पास किसी भी डिसिप्लिन से है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो और 3 साल का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और वहां एज लिमिट की भी क्राइटेरिया सेम रहेगा और यहां मंथली जो पे आउट होगा वो भी आपको सेम एज इट इज जो सिविल इंजीनियर्स को दिया जा रहा था वही दिया जाएगा। रिजर्वेशन की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो सिविल इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहां पर अनरिजर्व 2 सीट है और एक ओबीसी के लिए है और सेफ्टी ऑफिसर के लिए यहां पर एक अनरिजर्व सीट है, ठीक है। तो ये आपकी सीट, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और मंथली जो आपकी सैलरी है उसके बारे में सारी डिटेल आपको यहां पर बता दी गई है। उसके बाद आपको कुछ नोट्स के तौर पर चीजें बता रखी है, आप यहां पर देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपको बताया गया है 6 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर रहेगा, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर है ये आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। एक टेन्योर 6 महीने का है, इस तरह से ये 3 मर्तबा आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और कहा जा रहा है कि मैक्सिमम 2 साल का आपका ये एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड का आपको डिटेल यहां बता दी गई है और द सेड कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर विल बी एक्सटेंडेबल डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल, कंडक्ट, फिटनेस एक्सेट्रा। यानी ये जो भी आपका एक्सटेंशन रहेगा ये डिपेंड करेगा कि अगर कंपनी के पास आपके लायक वहां पर काम है या फिर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो सारे क्राइटेरिया आप देखेंगे वो लोग, और अगर आपको उनको लगता है कि आपको एक्सटेंड किया जाना चाहिए आपके टेन्योर को आगे तो वो आगे करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की डिटेल। उसके बाद आपको एज लिमिट वगैरह के बारे में यहां बता दिया गया, आप यहां पर देख सकते हो। अब चलिए आपको इंटरव्यू के लिए जाना कब है और कहां जाना है इसकी डिटेल यहां पर शेयर कर रखी है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए आपको जो है इंटरव्यू के लिए जाना होगा 29 तारीख, अगर आप एक सिविल इंजीनियर के तौर पर वहां पर जा रहे हो अप्लाई करने के लिए तो 29/8/2022 के दिन आपका इंटरव्यू रखा गया
गया है। ध्यान दीजिएगा, इस डेट को नोट कर लीजिएगा 29th 8 2022। लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो देखिए उसी दिन आपको जाना है, सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में वहां पर रजिस्ट्रेशन होगा। और जाना कहां पर, आपको ये वेन्यू का एड्रेस आपको दिया है आसाम का, गुवाहाटी का, आप देख सकते हो, इस एड्रेस को आपको नोट करना है और इसी एड्रेस पर जाके आपको 8 से 10 बजे के बीच पहले अपना रजिस्ट्रेशन वहां पे फुलफिल करवा लेना है कि आप यहां पर इंटरव्यू के लिए देने आए हो और आप पर्टिकुलर पोजीशन पे अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आपका 10 बजे के बाद इंटरव्यू वहां पर शुरू होगा और अगर आप वहां पर सेलेक्ट कर लिया जाते हो आपके परफॉर्मेंस बेसिस पर, तो आपको फाइनली वहां पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये था हायरिंग का प्रोसीजर, सेम जो है सेफ्टी ऑफिसर के लिए प्रोसेस रहेगी, लेकिन वो 30 तारीख के दिन रहेगी। आप देख सकते हो डेट यहां पर आपको बता रखी है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू रजिस्टर आफ्टर 10 AM, यानी 10 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दी जाएगी, किसी का वहां पर रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा इस बात का भी कि अगर पहले दिन इंटरव्यू के लिए ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट आ जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो बचे हुए लोगों को इंटरव्यू अगले दिन या बाद में वो आपको डेट दे देंगे, उस दिन आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर बता दिया गया है कि कैंडिडेट जो भी इंटरव्यू के लिए आएंगे उनके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब उन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको यहां बता रखिए, मैं चाहूंगा इस लिस्ट को आप जो है ध्यान से देख लीजिएगा, इसको आप अपने पास लिख लीजिएगा और जिस दिन आप इंटरव्यू के जाओगे उन सभी लिस्ट के मुताबिक इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ जरूर ले जाइएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आपको बता रखा है पहले में फिल्ड इन पर्सनल बायोडेटा फॉर्म, जो कि आपको उसका फॉर्मेट जो है इसी एप्लीकेशन के एंड में दिया गया है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो उसके बाद जो भी जितनी भी डेटा है उसका आप लिस्ट यहां पर देख लीजिए और इसी हिसाब से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट वहां पर ले जाइएगा। गलती मत कीजिएगा, अगर एक भी डॉक्यूमेंट वहां पर गलत हो जाता है तो हो सकता है आपके वहां पर रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, तो इस बात का बड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद आपको कहा कि कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल ओनली बी अलाउड टू अपियर इन द वॉक इन इंटरव्यू, यानी अगर आप इनके सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तभी आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए अंदर अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज आपको वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आप सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पर आप सिलेक्ट किए जाओगे, उसको भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। देखिए आपको मैंने कहा कि वॉक इन इंटरव्यू है तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और ये जो वॉक इन इंटरव्यू है 100 मार्क्स होगा, आपको यहां बता रखा है, ठीक है। अब ये जो वॉक इन इंटरव्यू के अंदर जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा, आपको सवाल पूछे जाएंगे, उसके बेसिस पर जो भी आपके जवाब रहेंगे उस परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बता दिए गए हैं 50 मार्क्स होंगे, यानी अगर आपको इस इंटरव्यू के अंदर क्वालिफाई करना है तो आपको 50 मार्क्स मिनिमम वहां पर लाने पड़ेंगे। जो भी वहां पर लोग क्वालिफाई होंगे उनके मार्क्स के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के बेसिस पर जो भी सर्वोत्तम उनका परफॉर्मेंस रहेगा उनको वहां पर फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा, बस यही आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगी, ठीक है। चलिए अब इसके आगे कुछ जरूरी जानकारी आपको दे रखी है कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर की पोस्ट पर वहां पर अप्लाई करने के लिए गए हो तो आपके लिए टेक्निकल स्किल्स और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, उस पर जरा ध्यान दीजिए। तो ये देखिए टेक्निकल स्किल्स देखिए आपको यहां बता रखी है, वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑटोकैड आपके पास होना चाहिए और कैंडिडेट शैल हैव एक्सपीरियंस ऑफ एग्जीक्यूशन सुपरविजन और मॉनिटरिंग इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फॉर मेजर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रोड रिलेटेड या इंडस्ट्रियल प्लांट फैसिलिटीज एटसेट्रा, किसी भी वर्क में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ रिलेवेंट IAS कोर्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिविल इंजीनियरिंग वर्क, यानी आपके पास IAS कोड का रिलेवेंट नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है और आगे आपको सी में दिखाया यहां पे कि द कैंडिडेट शैल हैव वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, तो ये तीन चीजें आपकी वहां पर फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद वहीं पर आपको जो है जॉब रिस्पांसिबिलिटी बता दी गई है कि एज अ सिविल इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्ट अगर आप सिलेक्ट कर लिए जाते हो तो आपकी जॉब रिस्पांसिबिलिटीज क्या क्या होगी, तो काफी लंबी लिस्ट है आप यहां पर देख सकते हो, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा इस PDF फाइल को डाउनलोड करके, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर के बारे में आपको बता दिया कि उसकी टेक्निकल स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, उसकी जॉब रिस्पांसिबिलिटीज यहां पर क्या क्या होगी, और उसके बाद जो है आपको यहां पर जनरल कंडीशंस के तौर पर कुछ अहम पॉइंट्स बता दिए गए हैं। मैं चाहूंगा इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इन सभी पॉइंट्स को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि इंटरव्यू के अंदर जाने से पहले इन सभी चीजों का आपको ध्यान रहे, ठीक है। उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट आपको एक फॉर्मेट दिया गया है जिस फॉर्मेट की आपको प्रिंट आउट निकालनी है और अपना जो बायोडेटा है, जो पर्सनल आपकी डिटेल है, वो सारी आपको इस फॉर्मेट के अंदर फिलअप करनी है और ये एप्लीकेशन आपको वहां पर ले जानी है और रजिस्टर करवाना है अपने आपको, ठीक है। तो ये था ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से सिविल इंजीनियर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, अगर आप इसको ढूंढ रहे थे और अगर आप इसमें एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो तो इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा, इंटरव्यू के लिए जरूर जाइएगा। उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आई होगी, इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट्स हम आप तक लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।